विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण का बहिष्कार करने वाले कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सत्र के दूसरे दिन मीडिया के सामने सफाई पेश की है। वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत का सिलसिला भी तेज हो चला है, जहां परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस और पटवारी दोनों पर निशाना साधा है। राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध हुआ है। मैं मानता हूँ 29 जनवरी 2021 18 पार्टियों ने एक साथ देश के राष्ट्रपति, देश की संसद में राष्ट्रपति का बहिष्कार किया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है अपनी बात कहने का। कल मैंने जो बात कही थी सदन के बाहर की थी, आज मैं जो बात कह रहा हूँ मीडिया से और मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूँ। कमलनाथ जी हमारे नेता है, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बने, इसके प्रदेश की जनता की चाहत है। इसमें देखिए, पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी अब सड़कों पर तो थी, अब विधानसभा और हाउस के अंदर भी दिखने लगी। जब सदन के विपक्ष के नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि ये गलत है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है, जीतू पटवारी जी के ट्वीट पर कमलनाथ जी ने सारे सदन में स्वीकार किया, और दूसरे दिन आज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि जीतू पटवारी जी बोलते हैं मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, तो चोरी और सीना जोरी। अब तो कांग्रेस में युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। कार्रवाई की मांग करते हुए अध्यक्ष महोदय, देखिए सारा सदन में कल ये बात आई, कार्रवाई करना नहीं करना ये अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मैं तो उनकी पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि अगर आप अपने विधायक पर, जो उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता कमलनाथ जी का निर्णय था, उसको भी अगर दरकिनार कर रहे हैं, तो पार्टी में ये बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है।